मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर सी ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मारुति वैन में 3 से 4 महिलाएं और 3 पुरुष बैठकर सी ब्लॉक से जा रहे थे। तभी आरएसएस की शाखा लगाने वालों ने वैन को रोक लिया। जब वैन का ड्राइवर वैन भगाने की कोशिश कर रहा था तो आरएसएस के लोगों ने दौड़कर मारुति वैन को घेर लिया। देखते ही देखते गोविंद नगर सी ब्लॉक में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। धर्म परिवर्तन करने वाले ईसा मसीह के लोगों में और आरएसएस के लोगों में गर्मा गर्मी होने लगी। ज्यादा बात बढ़ती देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद थाना कटघर पुलिस पहुंच गई। वही 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ईसा मसीह धर्म अपना लिया है। हमारे चैनल की टीम ने आरएसएस वाले गोविंद राम प्रजापति और मोहित शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह लोग उस परिवार को पकड़ते हैं जो अपने घर से गरीब और मजलूम है। 2.5-2.5 लाख रुपए का लालच देकर उन लोगों से ईसा मसीह धर्म अपनाने की बात कहकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। वही गोविंद नगर सी ब्लॉक में लगभग ऐसे 8 से 10 परिवार हैं जिनके परिवार का इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद से सचिन कुमार की रिपोर्ट। हाँ अंगूर जी, कहाँ से आई हैं आप? हैं, अच्छा यहीं रहती हैं। अच्छा क्या मामला है, धर्म परिवर्तन वाला क्या है? परिवर्तन कुछ नहीं है मेरा, मैंने केवल एक परमेश्वर को जाना है। मैं तो कभी जाने भी नहीं थी, मेरी वो परिस्थिति थी। मेरे 3 बेटे थे, उनका कोई संतान नहीं थी। प्रभु ने एक ने बताया मुझे, मैं गई और पिता मेरा अनुग्रह करा, मेरे बच्चों के बेटे हैं और बच्चे हैं। मैं इस मजबूरी से जुड़ी और मैंने कोई धर्म चेंज नहीं करा। कौन से धर्म से जुड़ी थी आप? मैं जुड़ी हूँ शाहपुर में चर्च से, बेंच होके बाहर के आए हुए पास्टर है शाहपुर में। इन चर्चों से मुझे कोई संबंध नहीं है। तो क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं? 2.5 लाख रुपया मिलते हैं? आज कहाँ पर आई हैं? मैं तो जा रही थी, लोगों ने रोक लिया सत्संग लगा। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में कितने लोग थे? अरे कितने लोग थे गाड़ी में? ये लड़के ने हाँ। गोस्वामी जी, कौन से मोहल्ले में रहते हो? मैं SND के बराबर में प्रथम कॉलोनी में रहता हूँ, गोविंद नगर। अच्छा ये बताओ क्या मामला है धर्म परिवर्तन? है हमारे गली में एक यादव जी हैं और एक सब्जी वाले हैं। ये 2.5-2.5 लाख रुपए का प्रचार कर रहे हैं कि ईसाई बनो के 2.5 लाख रुपए में मिलेंगे और ये औरतों को भरमा करते हैं। हम चले जाते हैं ड्यूटी, हमारे घर में आकर औरतों से बात करती हैं ये लेडी जितनी भी है, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे तुम्हें और धर्म परिवर्तन कर लो। कितनी महिलाएं हैं? ये महिला करीब 7-8 हैं, पूरे मोहल्ले की 7-8 महिला हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ है इनका। और ये आपसे भी कहा इन्होंने 2.5 लाख से? तो कई बार मैंने मना कर दी, मैंने कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। क्या कहा था? बोले 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, धर्म परिवर्तन कर लो। यादव मेरे घर आया था। कौन से धर्म में जाने को कहा? ईसाई में, तिगरी में इनका कोई धाम है, तिगरी मुरादाबाद। तो आज, अच्छा आज भी ये लोग आए थे? आज आरएसएस वालों की मीटिंग चल रही थी, वहाँ ध्वज विस्फोट चल रहा था, वहाँ इन्हें पकड़ लिया था। 500 मीटर में मोहित भाई को मारने का चक्कर पूरा प्लान बना लिया इन्होंने, गाड़ी चढ़ाने का प्लान था, वो तो गाड़ी जब ऐसी रोकी गई। कौन सी गाड़ी में आए थे? मारुति वैन। तो गाड़ी पकड़ ली गई है? गाड़ी लेके भाग गया था एक, वो मुन्ना लाल थे, उन्होंने गाड़ी भगवा दी थी वहाँ से। तो पुलिस आ गई, पुलिस ने अपने बल पे 3 महिला को पकड़ भी लिया है। अच्छा इस मामले को लेकर कितनी देर हंगामा रहा गोविंद? करीब में 2 घंटे हंगामा रहा है। तो आप गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, 3 महिला गिरफ्तार हो गई है इसमें। सात आदमी भाग गए। तो ये सब आदमियों के पीछे औरतों को बैग लाने का काम करती है। जब आदमी ड्यूटी चला जाता है ना, उसके बाद ये औरतें आती हैं और औरतों से बात करती हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अपने धर्म में, हिंदू धर्म में आ जाएं। हमारे मोहल्ले में बस, हमारे मोहल्ले में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चुन्नीलाल जी, कहाँ रहते हो? सामने वाला घर है। अच्छा, किसने कहा था आपसे धर्म परिवर्तन करने को? किसने कहा था सामने वाले? क्या नाम है उसका?
कौन से धर्म में जाने को कहा था? ईसाइयों में जाने को कहा था। तो पैसों की भी कोई बात आई थी? ना, पैसे की कोई बात नहीं आई थी। लोग कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए मिलने हैं, लोगों कहना 2.5 लाख रुपए मिलने हैं। तो आपसे क्या कहा था इन्होंने? कहा था तुम्हारा मकान बन जाएगा, मकान बन जाएगा, मकान बन जाएगा। प्रेम के क्या मकान है? ये वाला है, कितने लोग हैं? कितने लोग साथ जाते हैं? यहाँ पर आप मारो, यहाँ पर अच्छा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईसाई धर्म ना परिवर्तन कर लिया है? एक तो ये घर है, एक सब्जी वाले घर है, ये तीन घर हैं, एक सब्जी वाला। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? आज क्या हुआ था? सब्जी वाले आज तो कुछ नहीं हुआ। पुलिस आई है, गाड़ी भर के जो लेके जा रहे थे वो हमारे सामने। अरे पुलिस आई है, पुलिस आई है, क्या पूछताछ की आपसे? कुछ नहीं। हाँ तो कोई हमसे नहीं करिए पुलिस जी। का किस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ? मैं इस नगर का नगर कारवा हूँ, RSS। अच्छा, क्या मामला था? अभी एक मामला यहाँ हमारी श्रीराम शाखा यहाँ लगती है, तो बताया गया था कि सूचना आई थी कि यहाँ पे एक बैन जा रही है ईसा मसीह के धर्म परिवर्तन करने के लिए, वो हर संडे को निकलती है। सूचना आई तो हमारी शाखा पर, जो श्रीराम शाखा लगती है सामने, वो शाखा वालों ने तुरंत मुझे सूचना की थी, तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। देखा तो यहाँ पे एक बैन भरी हुई थी जिसमें महिलाएँ थी, कुछ लेडीज थी और कुछ जेंट्स भी थे जिसमें। क्या बताया उन्होंने? तो वो धर्म परिवर्तन ईसा मसीह के उसमें जा रहे थे, जो कहीं इधर लगता है सापुर टिकरी की तरफ। तो कौन सी जगह का मामला है ये? ये है ब्रजधाम लंकाबाद चौराहा। अच्छा, तो गोविंद नगर। कितने लोगों ने अब तक धर्म परिवर्तन कर रखा है यहाँ पे? करीब में हमने जगह जगह ब्लॉक सी तक में 3-4 घर वहाँ पकड़े हैं, और 2 घर हमारे इसमें खड़े, सिर्फ 4-5 घर तो हैं। बाकी वो प्रयास करते हैं कि तुम भी हमारे उसमें आ जाओ, हमारे इसमें आ जाओ, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह की बातें और लोगों ने हमें बताया गया था, तो उन लोगों पर हमने पुलिस को इतला करी, वो पुलिस को निकाल दी। पुलिस आ गई जी। अच्छा, आपकी RSS की तरफ से क्या कार्रवाई इसमें रहेगी? कार्रवाई करेगी, धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा, हम तन मन धन से इसमें ऐसा नहीं होने देंगे यहाँ पर। तो कोई अपना लेटर वगैरह कोई जारी करा? लेटर पैड तो नहीं दिया अभी हमने, जो क्षेत्रीय जो दरवाजे हैं उनको अपने एड्रेस लिखवा दिया सारा। अब आप क्या चाहते हैं? अब जो लोग गए हुए हैं, ये 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं और एक तीन महिलाएं पहुंची हुई हैं, जो गाड़ी में बैठा कर ले गई थी पुलिस, जैसे तुरंत आ गई थी, हमने हाथों हाथ उनके हवाले कर दिया, वो थाने छोड़ दिया।